जिस कास्टिंग काउच को लेकर बॉलीवुड की अभिनेत्रियां बोलने से बचती हैं, उस पर आज कोरियोग्राफर सरोज खान ने ऐसा बयान दिया जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। इस विवाद में अब कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी भी कूद पड़ी हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे लेकर राजनीति के गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। क्या बी टाउन की तरह राजनीति में भी होता है कास्टिंग काउच? क्या संसद में भी होता है शोषण? ये सवाल कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी के उस बयान के बाद उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरह संसद में शोषण की बात कही है। दरअसल कोरियोग्राफर सरोज खान ने आज फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर कहा था कि ये लड़की के ऊपर है कि वो क्या चाहती है। उन्होंने कहा था कि कास्टिंग काउच को फिल्म जगत काम से रोटी तो देता है, रेप करके छोड़ तो नहीं देता। उनके इस बयान पर बॉलीवुड में तो घमासान मचा ही था। इस बीच जब कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी से इस पर सवाल पूछा गया तो वो भी कुछ ऐसा बोल गई जिसने सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, ये हर जगह होता है, कड़वी सच्चाई है। ऐसा मत सोचिए कि संसद या दूसरी जगह इससे अछूती है। ये समय है कि भारत को साथ खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले भी उन्होंने कठुआ कांड के बाद विवादित बयान दिया था कि जब कोई रेप पीड़िता थाने आ जाती है तो पुलिस वाले गब्बर सिंह स्टाइल में सवाल पूछते हैं कि कितने आदमी थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।